अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद करते हैं असल न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और माशाल्लाह से मेरा चैनल जो है वो सही ग्रोथ हो रहा है। तो आप मेरी वीडियोस के साथ बने रहें और बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं जिनको हेल्प हो रही है बहुत मेरी वीडियोज़ से। तो कुछ अपडेट्स और कमेंट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एक दिल्ली एयरपोर्ट के लिए जो है हमारा एक मुसलमान भाइयों के लिए अपडेट है वो मैं दूसरी वीडियो में डालूंगा, तो आप हमारी दूसरी वीडियोस को भी देखना। तो ये हम कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा पहला कमेंट्स है, थैंक्स अलॉट बहरीन, मेरा वीज़ा आ चुका है, थैंक यू। इंडियन क्वारंटीन होना पड़ेगा या नहीं फुली वैक्सीनेटेड वालों को? तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहेंगे आपको कि आपका वीज़ा आ चुका है और कोई क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं है, आपके पास वैक्सीनेशन है। तो इनका ही दूसरा कमेंट्स है, थैंक यू सर, आपकी वीडियोस से हमें बहुत हेल्प मिली और हमने सब्र किया तो हमारी वीज़ा अप्रूव हो गई और हमें वीज़ा मिल चुकी है, ओके थैंक यू। उसके बाद हमारा अगला कमेंट्स है, सर मेरी वीज़ा LMRA को NPR स्टेटस ट्रैक रुका हुआ है, नेक्स्ट लेवल एम्प्लॉयर का है सर, और कितने दिन लगेंगे? सर मेरे एम्प्लॉयर ने बोला था कि 3 दिन में हो जाएगा पर अब तो 5 दिन हो चुके हैं। देखिए आपके एम्प्लॉयर ने बोला 3 दिन, लेकिन ये 48 घंटे का टाइम होता है क्योंकि सारा एम्प्लॉयर का काम होता है, तो आप उससे बात कीजिए, 2 दिन से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है, तो आप बात कीजिए उससे, हो जाएगा इंशाल्लाह, एक बार बात कीजिए उससे दोबारा से। उसके बाद हमारा अगला कमेंट है, सर बहरीन, सर 50 दिन के बाद मेरा वीज़ा अप्लाई किया हमारी कंपनी ने, मैं खुद कंपनी HR को फ़ोन किया तो HR मेरे को एप्लीकेशन ID नंबर भेजा, मैं एप्लीकेशन ID चेक किया तो वीज़ा अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। आपके वीडियोस से मेरे को बहुत हेल्प मिली, उस लिए मैं एक लाइक करता हूँ, गुड प्लेस यू, कीप इट गोइंग। ओके थैंक यू कि आपने इतना प्यारा कमेंट्स किया हमारी वीडियोस के लिए और कंग्रेचुलेशंस कि आपकी वीज़ा प्रोग्रेस में हो चुकी है। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप अपनी कंपनी में बात कीजिए, आप हमारे रास्ते पर चले तो देखिए आपका हो गया। अब थोड़ा सब्र करना, 1 से 2 महीने उसके बीच में HR को कॉल ना करना, क्योंकि HR बिगड़ गया तो आपकी वीज़ा फिर कैंसिलेशन भी हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सब्र करना 1 से 2 महीने। अगला कमेंट्स जो हमारा, नेपाल के लिए नॉन वैक्सीनेशन ट्रेवल के लिए क्वारंटीन रूम में कर सकते हैं कि नहीं, या होटल क्वारंटीन कंपलसरी है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए क्वारंटीन हम किस तरीके से कर सकते हैं, या तो कोई होटल होनी चाहिए हमारे पास या घर नाम होना चाहिए हमारे जो स्पॉन्सर है उसके, तब हम क्वारंटीन उसमें कर सकते हैं। स्पॉन्सर का हम दिखाएंगे, वो हमें एक लेटर प्रोवाइड कराएगा, तब हम उसके घर पे क्वारंटीन कर सकते हैं। ये 2 तरीके से ही क्वारंटीन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला कमेंट है, सर विजिट वीज़ा वाले होटल बुकिंग के बगैर अरेवल कर सकते हैं? देखिए फुली वैक्सीनेशन वाले कर सकते हैं होटल बुकिंग के बगैर, नॉन वैक्सीनेशन वाले नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला कमेंट है, सर अलगजा कंपनी बहरीन में कैसे कंपनी है, थोड़ा डिटेल में बताएं, मैं 28 को दिल्ली से फ्लाइट है। देखिए अलगजा कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसके बारे में आपको जितना जानेंगे उतना ही आपको अच्छा सुनने को मिलेगा। इसका एकोमोडेशन भी बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट भी इसका बहुत अच्छा, सारी बसेस की जो हैं आपकी आपकी जितनी बसें AC बसें हैं जितनी भी, और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है इसके अंदर, और ये ज़्यादातर अपने जो वर्कर्स हैं उनको फूड भी प्रोवाइड कराती है। हालांकि फूड कोई कंपनी ज़्यादातर प्रोवाइड नहीं कराती है, लेकिन ये कंपनी 100% प्रोवाइड कराती है। तो ये कुछ कमेंट्स थे और जिनका मैंने आपको रिप्लाई दिया, और कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं जिनके बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ, कुछ गलत कमेंट्स थे जो यूट्यूब ने खुद ही डिलीट कर दिए। तो भाई ऐसे कमेंट्स ना किया करें। और मैं आपको फिर एक बार इन्फॉर्मेशन दे दूँ वैक्सीन के लिए कि कोविशील्ड ही वैक्सीन लगवाएं, और वैक्सीन वालों के लिए आपका जो क्वारंटीन है वो ख़त्म कर दिया गया है, जिनके कोविशील्ड वैक्सीन लगी उनको कोई क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं है। और अब आने वाले 3 तारीख में जो है हमारा अपडेट्स आएगा इंशाल्लाह के जो हम PCR टेस्ट कराते हैं वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा बहुत जल्द। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नॉन वैक्सीनेशन है उनके लिए क्वारंटीन 100% कंपलसरी है, वो कराएंगे, उनको कराना ही पड़ेगा। और कुछ हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बहरीन पहुंच चुके हैं हमारी वीडियोस के हेल्प लेकर, जिन्होंने मुझे पर्सनली कॉल भी की, कुछ पाकिस्तान से बंदे थे जिन्होंने मुझे कॉल करके थैंक यू बोला, और मैं उनका मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा।
और एक बंदे का भी मेरे पास कॉल आया था, वो जॉब के लिए बोल रहा था, लेकिन मैंने उससे बात की थी, जॉब उस तरीके से नहीं मिल सकती है बहरीन के अंदर। डायरेक्ट आप आज़ाद वीज़ा लेकर पहुंच गए और आपको जॉब मिल गई, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से जॉब नहीं मिलती है। जो लोअर कैटेगरी की हैं उस तरीके की मेरे पास जॉब पड़ी रहती हैं। अभी मेरे पास क्लीनर की हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, जो बहरीन के अंदर हैं उनके लिए। अगर कोई बहरीन के अंदर है 120 से 30 VD उनको मिल जाएगा और रहने के लिए मिल जाएगा, खाना उनका खुद का होगा। अगर उसमें जॉब करना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरे पास बहुत सारी जॉब्स आती हैं। अगर कोई जॉब के लिए इंटरेस्ट है तो मुझे ईमेल कर सकता है मेरी ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मेरे अबाउट सेक्शन में भी लिखा हुआ है। और आप लोगों की प्यार की वजह से और सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और मैं बता दूँ कि इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, और इंशाल्लाह 3 तारीख का वेट कीजिए। 3 दिसंबर को एक नई रेड लिस्ट, कंट्रीज जितनी भी हैं और ट्रैवल अपडेट्स, नए जितने भी ट्रैवल अपडेट्स हैं वो सब अपडेट होंगे 3 नवंबर के, 3 दिसंबर के बाद। तो इंशाल्लाह 3 दिसंबर के बाद मैं एक वीडियो उसके लिए भी बनाऊंगा। और एक वीडियो मैं आपको बता दूं कि दूसरी वीडियोज़ हैं मैं वो डालूंगा, वो मुसलमान लोगों के लिए हैं, जो मुसलमान भाई बहन हैं उनके लिए हैं वो वीडियोज़, जो मैं अपनी दूसरी वीडियोज़ में डालूंगा दिल्ली एयरपोर्ट पर। तो उस वीडियोज़ को ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी, वो इम्पोर्टेंट कर दी गई है मुसलमानों के लिए सिर्फ, और कोई इसमें अदर कास्ट इनरोल नहीं है, ओनली मुस्लिम सिर्फ मुसलमान के लिए ही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी, और पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें भाई चैनल को, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से अपडेट्स निकालता हूँ और बात करता हूँ, साइट्स पर देखता हूँ, अपने काम के अदर तरीके से भी, तो तब जाकर मुझे कमेंट्स की रिप्लाई मैं करता हूँ, मैं अपने पास से ही नहीं करता हूँ। तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और थोड़ा सब्र से काम लें सब लोग। तो तब तक के लिए गुड बाय, जब तक हमारी आती है एक नेक्स्ट वीडियो।